तो आज मैं आ गया हूँ सोमनाथ दालपुरी में। तो इनकी जो दालपुरी है पूरे भावनगर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए चलते हैं, इनके ओनर से बात करते हैं और अपने लिए स्पेशल इनकी दालपुरी लगवाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है और इसकी ये पूरी तैयार करते हैं। तो ये है मशीन की, इसमें आप 5 किलो आटा एक साथ गूंद सकते हो। तो अंकल जी अपना नाम बता दीजिए। प्रताप भाई। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया है यहाँ पे शॉप को? 33 ईयर। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरी की मेकिंग चली है और ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे पेड़े बनाए हुए हैं और यहाँ पे पूरी बनाई जा रही है। तो ये देखिए भाई, ये अब यहाँ पे पूरी फ्राई हो रही है। ये देखिए भाई कढ़ाई देखिए और इसमें कितने सारी पूरी डाली जा रही है। 40 रुपये की प्लेट रहती है, 6 पूरी रहती है उसमें। ये देखिए भाई गर्मा गर्म यहाँ पे हमारी पूरी रेडी हो रही है, एकदम गोल्डन कलर आ चुका है ये देखिए। तो अगर आप भी भावनगर में रहते हो तो यहाँ पे आके इनकी दाल पूरी ज़रूर टेस्ट कीजिए। ये देखिए भाई गर्मा गर्म हमारी पूरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो ये देखिए ये आगे इनकी हरी मिर्च फ्राई होके। तो काठियावाड़ में लोग मिर्ची खाना बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए ऊपर से नमक आ गया। तो ये देखिए भाई यहाँ पे इनकी छाछ लगाई जा रही है। ये देखिए भाई, तो अगर आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे छाछ ट्राई कर सकते हो। ये देखिए भाई पूरा एकदम पतीला भर के यहाँ पे छाछ लगाई जा रही है। तो एकदम अमूल की छाछ रहती है, बढ़िया क्वालिटी है। तो अंकल जी प्लेन छाछ रहती है? प्लेन जीरा नमक डालते हैं। ये देखिए ये आ गई यहाँ पे चने की दाल। तो देखो कितनी बढ़िया ग्रेवी है इसकी और ये देखिए कितनी थिक दाल है। और इन्होंने पूरा कंटेनर भर दिया यहाँ पे दाल से। और नेक्स्ट देखते क्या डालेंगे भाई। ये क्या डालने आ रहे हो? आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, ये देखिए भाई ये आ गई यहाँ पे आलू की सब्जी। तो देखो एकदम मसालेदार यहाँ पे आलू की सब्जी है। ये देखिए भाई ये आ गई यहाँ पे चने की दाल, इसमें थोड़ा खट्टा पानी आएगा। ये आ गया खट्टा पानी और आलू की सब्जी, ये तीखा आएगा। तीखा आलू की सब्जी रहती है, एकदम मसालेदार बढ़िया टेस्टी। तो ये आगे इनकी स्पेशल चने की दाल, ऊपर से आ गई आलू की सब्जी। तो फाइनली भावनगर की फेमस ब्रेकफास्ट यहाँ पे लग चुकी है। तो ये देखिए ये है इनकी फेमस यहाँ पे दाल पूरी की सब्जी, चने की दाल रहती है, आलू की सब्जी रहती है। ये देखिए तो इसको मिक्स करके खाते हैं, साथ में 6 पूरी रहती है और साथ में ये दिए इन्होंने हरी मिर्ची फ्राई करके। तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं हरी मिर्ची। तो साथ में इन्होंने छाछ दी है, ये दिए पकवान, यहाँ पे पापड़, ये इनकी दाल कचौरी। तो देखो यहाँ पे कचौरी डाली इन्होंने और हरी चटनी डाली है, ऊपर से ये आलू की सब्जी डाली है तीखी वाली, थोड़ा सा इन्होंने प्याज दिया है। ये इनका सैलेड रहता है पपीते का जो अनलिमिटेड रहता है। तो चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये आ गई गर्मा गर्म पूरी, ये आ गई दाल और आलू की सब्जी। इनकी जो चने की दाल है एकदम जैसे घर पे बनाते हैं वैसा ही टेस्ट है। और साथ ही साथ जो ऊपर से इन्होंने आलू की तीखी सब्जी डाली है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। एकदम जो इनका मिक्स होकर जो फ्यूजन बन रहा है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और इनकी जो पूरी है बहुत ही फ्रेश है। तो भाई अगर आप भावनगर में आ रहे हो तो सोमनाथ में आके ये प्लेट ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। 40 रुपये की प्लेट रहती है, उसमें आपको 6 पूरी मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, सैलेड आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा, साथ में आपको फ्राइड मिर्ची मिल जाएगी। तो काफ़ी सारी आइटम्स आपको इतने कम बजट में मिल जाएगी और अच्छा आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो आपको भावनगर में ये कहीं नहीं मिलेगा इतना सस्ता खाना और इतना टेस्टी खाना। तो दाल पूरी तो मैंने टेस्ट कर ली, तो अब मैं इनकी दाल कचौरी टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये दाल आ गई इनकी और ऊपर से इन्होंने कचौरी डाली है, आलू की सब्जी डाली तीखी वाली और हरी चटनी डाली है। तो कचौरी मैंने बहुत जगह खाई है, इनकी जो दाल कचौरी है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। स्पेशली जो उन्होंने इसमें मसाले डाले हैं, जो आलू की सब्जी बनाई है और जो इनकी दाल है जो होममेड दाल है बहुत मुझे अच्छी लगी। तो आप यहाँ पे कुछ भी खाओगे एकदम आपको फ्रेश मिलेगा, गर्मा गर्म मिलेगा। टाइमिंग बता दीजिए दुकान की कितने बजे लगती है? सुबह में 8 बजे से 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक, दोपहर को 4 बजे से शाम को 8 बजे तक मिक्स भजिया। मिक्स भजिया चलता है। हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? पूरा दिन, कोई छुट्टी? संडे हाफ डे। संडे को हाफ डे रहता है? संडे हाफ डे। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे पूरी खाने आना हो। MG रोड हायर स्ट्रीट, जय सोमनाथ दालपुरी। तो अगर आप भी भावनगर रहते हो, विजिट कर रहे हो तो सोमनाथ पे आके इनकी दालपुरी का जरूर टेस्ट कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।